अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर ऑल ऑफ यू? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज कलेक्टिव नाउन एंड हियर इज योर ग्रामेट्री बुक। होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड एंड फिल ऑल द एक्सरसाइज विद मी। हियर आर सम कलेक्टिव नाउन्स एंड द कॉमन नाउन्स दे आर यूजुअली यूज्ड विद। ऑल आर द कलेक्टिव नाउन। Okay, now move toward exercise B. Fill in the blanks with nouns chosen from the given list. Here is list of nouns, and with this given list, you have to fill all the blanks. Number one, a bunch of keys, a flight of stairs, a suit of clothes, a gang of thieves, a set of tools. A herd of cows, a school of fish, a fleet of sheep, a flock of sheep, a pack of cards. Okay students, now we will move toward page number 4. Okay, in your page 4, exercise C, fill in the blanks with suitable collective nouns chosen from the given list. Here is the list of few collective nouns. With the help of these collective nouns, you have to fill all the blanks. Kamran chose the smallest puppy of the litter as his pet. बच्चे यहाँ पे litter जो है वो use नहीं हुआ कचरा या कूड़ा के उस सेंस में नहीं, बल्कि यहाँ पे लिटर बात की गई है। पपी जो होते हैं डॉग के बेबीज, जब वो सेम टाइम में उनकी बर्थ होती है तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको कहते हैं लिटर। ऑल द फर्नीचर द रूम हैड वाज अ बेड एंड अ डैश ऑफ ड्रॉर्स, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। यहाँ पे चेस्ट का मीनिंग है कि एक जो ड्रॉअर जब आप खोलें और उसमें सेपरेशन हो दो या तीन की, तो हम उसको कहते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉअर्स। समबडी हैड स्टोलन द वैल्यूएबल रोप ऑफ पर्ल्स। यहाँ पे रोप ऑफ पर्ल्स का यूज़ किया गया है। रोप मतलब के मोतियों की लड़ी कह सकते हैं, माला कह सकते हैं। द क्रू ऑफ द सिंकिंग शिप मैनेज्ड टू सेव ऑल द पैसेंजर्स। The coven of witches met at midnight in the wood. The troupe of actors were rehearsing a new play. Actors के लिए use हो गया है troupe, witches के लिए use हुआ था coven. When they cut down the tree, they found a nest of snakes in it. Nest यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि snakes का तो कोई nest होता ही नहीं है, ये nest of snakes क्या है? Nest होता है जब एक ही जगह पे snakes बहुत ज़्यादा quantity में हों और बहुत ज़्यादा जमा हुए हों। तो आपने अक्सर अपने ज्योग्राफिकल चैनल पे भी देखा होगा कि स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि ग्राउंड भी नज़र नहीं आ रहा होता, ज़मीन नज़र नहीं आ रही होती, तो उसको कहते हैं नेस्ट ऑफ स्नैक्स। द मैजिशियन शोड अस मैनी ट्रिक्स विद अ पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स का क्या होता है, पैक होता है। वी सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्रॉसिंग द रिवर। एलिफेंट के झुंड को कहते हैं हर्ड। हर्ड ऑफ काउस भी हो सकता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। द बैंड ऑफ रॉबर्स वॉज हाइडिंग इन द फॉरेस्ट। डाकुओं का एक ग्रो आप कहते हैं ग्रो, तो उसके लिए लफ्ज यूज हुआ है बैंड इंग्लिश में। द ट्रूप ऑफ सोल्जर्स क्रॉस द ब्रिज एट नाइट। सोल्जर्स के लिए यूज हुआ है ट्रूप। आर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सी दिलचस्प किताबें हैं। तो बुक्स तो ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही जगह पे होती हैं और वो होती है लाइब्रेरी। ओके स्टूडेंट्स, आवर लेक्चर इज़ ओवर। यू हैव टू लर्न ऑल एक्सरसाइजेस एंड फिल ऑल एक्सरसाइज ऑन योर बुक।